वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोग्राम गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। हे गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हियर इज एन अपडेट रिगार्डिंग डीबीटी जेआरएफ एग्जाम 2019। जो भी स्टूडेंट्स जो है लाइफ साइंस से हैं, आई गेस उनको डीबीटी एग्जाम के बारे में पता होगा। एंड गाइस, इसकी नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुकी है 2019 एग्जाम के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आप जान पाए कि क्या इंपॉर्टेंट सिनेरियो रहता है पूरे एग्जाम का, एंड वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, या फिर आपको फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं। सो गाइस, शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों से। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये इंपॉर्टेंट डेट्स बता देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 20 तारीख से 25 से जो है स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि परसों से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 मार्च 2019 तक रहेगा। एग्जाम जो है डीबीटी का, दैट विल बी ऑन April 14। संडे को हमेशा अप्रैल में ही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सेकेंड वीक में ही होता है। एंड गाइस, बहुत ही अच्छे से पूरा लेवल जो है मेंटेन कर रखा है। नेक्स्ट डे ही या फिर आफ्टर 1-2 डेज जो है आपको जो है आंसर की भी मिल जाती है वेबसाइट पर। एंड जो भी आपको रिप्रेजेंटेशन करनी या फिर डाउट्स हैं उसके लिए आप जो है जीमेल के थ्रू, मेल्स के थ्रू जो है भेज सकते हैं उनको रेफरेंस, जस्ट लाइक आप जैसे CSIR में भेजते हैं टिल April 25th। फाइन, एंड जो है आपका मई तक जो है, मई के लास्ट वीक तक जो है रिजल्ट आ जाता है। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, एक दो दिन का आगे पीछे जो है फर्क होता है, बट यस, एग्जाम 14 अप्रैल को ही होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी जो है 20 को होगा, एंड क्लोज भी जो है इतने 22 मार्च को ही होगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाता, सो दैट अगर आप चाहते हैं ये फॉर्म भरना तो प्लीज जितना भी टाइम दिया हुआ है, टाइम पीरियड दे रखा है, उसी में ही आपको फॉर्म भरना होगा। फाइन, थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है डीबीटी 2019, डीबीटी जेआरएफ। बेसिकली देखिए, बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए जो है ये एग्जाम होता है, ठीक है। और भी जितने बहुत सारे इसमें कैटेगरीज हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में है वो ये एग्जाम दे सकते हैं। फाइन, एंड जिन्होंने क्लियर कर लिया है पोस्ट ग्रेजुएशन वो लोग भी दे सकते हैं। क्या होता है कि जो भी जो एग्जाम क्लियर कर लेते हैं डीबीटी का, गवर्नमेंट एग्जाम है जैसे CSIR हमारा एग्जाम, इसी तरीके से लाइफ साइंस कैंडिडेट्स के लिए भी एग्जाम है डीबीटी का। एंड बहुत ही अच्छा लेवल होता है इस एग्जाम का, एंड प्रॉपर बहुत अच्छा स्टाइपेंड भी मिलता है अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो देखिए, सिलेक्शन के बाद क्या होता है कि दो लिस्ट जो है प्रिपेयर की जाती है, Category 1 और Category 2 बोला जाता है उसको। Category 1 में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका क्या है कि PhD में सिलेक्शन हो जाता है डायरेक्ट। अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो कोई करियर गैप नहीं होगा, डायरेक्टली बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में इस एग्जाम के थ्रू जो है सिलेक्शन हो सकता है। हालांकि जिस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं PhD के लिए उसके खुद के अपने नॉर्म्स भी हैं, कुछ के रूल्स एंड रेगुलेशन भी है, बट ये एक पावर बूस्टर पॉइंट, एक तरीके का एडिशनल पॉइंट आप लोगों के पास रहेगा अगर आपका DBT में सिलेक्शन हो जाता है तो। दूसरा आता है हमारा Category 2। Category 2 में जो भी स्टूडेंट्स जो है एलिजिबल होते हैं या फिर सेलेक्ट होते हैं, DBT जो है बहुत बार डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है स्पॉन्सर करती है इंस्टीट्यूट्स को, जितने भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं सबके पास जो है DBT से प्रोजेक्ट्स जाते हैं अच्छे खासे। फाइन, एंड फेलोशिप भी उसमें बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट दिखता है आपके लेवल का, आपके इंटरेस्ट का, तो आप जो है ऑब्वियसली जो है उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। एंड अगेन, आपका ये एग्जाम क्लियर होगा तो जो है एक बहुत ही पावर पॉइंट आपके पास रहेगा। एंड फेलोशिप जो है इक्वली ही मिलती है जितनी नेट और गेट के स्टूडेंट्स को मिलती है। फाइन, तो बहुत अच्छी खासी जो है फेलोशिप जो है रहती है। सो देखिए, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, बिकॉज इसका लेवल बहुत अच्छा है इस एग्जाम का। आपने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस चेक करना, बहुत अच्छा लेवल जो है इस एग्जाम का है। दो पार्ट्स होते हैं, सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए एप्टीट्यूड सेक्शन होता है जिसमें 50 MCQs होते हैं। फाइन, सेक्शन बी होता है जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। आउट ऑफ दोज 150 क्वेश्चन यू ओनली नीड टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन। देख रहे हैं कितना ज़्यादा आपको मतलब चॉइस मिला है, 150 में से सिर्फ 50 करने हैं आपको, और सारे डोमेन से जो है उसमें क्वेश्चंस हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर आप लोग जो है इस फॉर्म को भरना।
अवार्ड भी देख लेते हैं जो है डीबीटी जो भी क्लियर कर लेता है कैंडिडेट ठीक है, तो वो फेलोशिप की एक्टिवेशन के लिए कब अप्लाई कर सकता है, जब उसका पीएचडी का रजिस्ट्रेशन हो जाए ठीक है, कोई एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उसके रूल्स फॉलो करके इंटरव्यू देके एंड इस जो है डायरेक्टली भी जो है कई लोग अप्लाई करते हैं एंड जैसे ही पीएचडी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपको वो प्रूफ जो है दिखाना होता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं, उसी के बाद आपकी फेलोशिप जो है बहुत अच्छी खासी फेलोशिप होती है, अराउंड 30 to 40 के बीच में जो है फेलोशिप होती है, वो आप वेरिफिकेशन करवा के डॉक्यूमेंट्स का वो अवेल करा सकते हैं, उसी बाद ही तुरंत आई गेस 10 से 15 दिन लगते हैं, उसके बाद जो है स्टार्ट हो जाती है वेरिफिकेशन, वही डॉक्यूमेंट्स का डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन वही लोग करवाएंगे जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे। ऑब्वियसली अगर किसी भी तरीके से आपने जो फॉर्म फिल करते वक्त कहीं गड़बड़ी कर दी या गलत इन्फॉर्मेशन दे दी और बाद में वो इनकरेक्ट पाई गई जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच ऑन गया, तो देखिए बेशक आपका सिलेक्शन हो गया वो कैंसिल आउट कर दिया जाएगा ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हो, सब इन्फॉर्मेशन अपनी एक्यूरेट दे, केवल इसी में नहीं सारे एग्जाम्स में ही करना चाहिए। फाइन, अब देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन मैं आपको बताती हूँ क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एमसीक्यूज है एंड जो है इजी है, एमसीक्यू कैसे करते हैं आप लोगों को पता है, 3 सेंटर्स जो है दिए जाते हैं, उन तीनों सेंटर्स में से जो आप अपनी चॉइस का जो है भर सकते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि पहला जो सेंटर आप लोगों को मिल जाता है ठीक है, फिर भी कोशिश कीजिए कि तीनों सेंटर आप अपने आसपास के ही चुनें। फाइन ऑलराइट, तो ये चीज़ें आप देखना एंड ऑब्वियसली वो आप लोगों को कुछ पे नहीं करेंगे आने जाने का, वो सब आपको खुद से मेंटेन करना पड़ेगा, अगर आपका सेंटर कहीं और आता है दूर आता है तो उसके लिए है ये सब चीज़ें। फाइन, अब आता है मोड ऑफ एप्लीकेशन, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, देखिए लिंक जो है ये यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स में भी जो है लिंक डाल दूंगी, आपको सिर्फ उस पर लिंक पर क्लिक करना है एंड 20 तारीख के बाद जो है आप इसको ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल करेक्टली। जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है दैट इज 1000 रुपीज़ एंड SC ST एंड जो डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस है 250 रुपीज़ ठीक है, और ऑब्वियसली जो है नॉन रिफंडेबल है, आप बोलो कि गलती से फॉर्म भर दिया रिफंड कर दो तो वो चीज़ नहीं होंगी, तो सोच समझ के जो है फॉर्म भरना अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो। फाइन, अगेन जो है मैं एक बार आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता देती हूँ, परसों से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, 22 मार्च को 2019 में क्लोज हो जाएगा, एग्ज़ाम 14 अप्रैल को है आपका एंड ये सब बाकी की इन्फॉर्मेशन है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ ठीक है। देखिए बहुत कम बच्चों को इस एग्ज़ाम के बारे में पता होता है, बहुत कम बच्चे जो है इसको अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे बिकॉज क्या होता है कि एक एक्सपीरियंस भी तो चाहिए होता है ना, बहुत अच्छा लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, आप जितने एग्जाम्स देंगे उतना ही आप अपने करियर के पास आएंगे, अपने उतना ही सक्सेस रेट आपका इंक्रीज होगा बिकॉज एक्सपीरियंस का देखिए इट्स लाइक प्रीशियस थिंग ठीक है, वो आप घर बैठे या सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते करते नहीं ले सकते, आपको फिजिकल एनवायरनमेंट में जाके एक्चुअली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, कंपटीशन को फाइट करना, देखना कि करंटली क्या सिनेरियो चल रहा है एंड आप कहाँ स्टैंड करते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, देखिए 3 अटैम्प्ट मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लगातार कितने भी अटैम्प्ट दे देंगे, जैसे CSIR है आप उसमें कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हैं अगर आपका एज क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, सिर्फ 3 अटैम्प्ट आप दे सकते हैं, 3 अटैम्प्ट के बाद आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म भरने के लिए, इसलिए मैक्सिमम कोशिश यही कर कि उन तीनों में से पहले दूसरे तीसरे में जैसे भी जो है आपका सिलेक्शन हो जाए। फाइन गाइस, देखिए एक छोटी सी बात जो मैं हमेशा आप लोगों को अपने मोस्ट ऑफ द वीडियोस में कहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कुछ अच्छी बातें आप लोगों को बताना, बट प्लीज़ आप उनको फॉलो करें तो वो सबसे बेस्ट होगा। व्हेन यू आर फॉलोइंग योर इनर वॉइस डोर्स टेंड्स टू ओपन फॉर यू एवरी टाइम, अगर आप यूँ सोचो कि नहीं हो सकता, हार्ड है या उसका नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा, तो देखिए कभी कुछ नहीं हो सकता, अपना इनर वॉइस स्ट्रांग रखना भी ज़रूरी है, ये चीज़ भी मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, अपना इनर वॉइस स्ट्रांग रखना भी ज़रूरी है, अपने मन की आवाज़ सुनो कि आप क्या बनना चाहते हो, कल को आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो ठीक है, आपने आपके मन ने एक बार आपको कह दिया, आपके अंदर से आवाज़ आ गई कि यस, तो देखिए कुछ ऐसा नहीं रहेगा, कहीं आपको डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी, हर चीज़ आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आती रहेगी, सारे डोर्स ओपन हो जाएंगे, जस्ट आपको अपने दिमाग को खोलना है, अपने मन की आवाज़ सुननी है कि आप कब चाहते हो, गाइस बिलीव मी जब आप अपने मन की आवाज़ फॉलो शुरू करना शुरू करते हैं ना तभी आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, नहीं तो हमेशा हम डाउट में ही लटके रहते हैं एंड कुछ अच्छा नहीं लगता है। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है
जितने भी लाइफ साइंस कैंडिडेट्स हैं जो कि एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको दिखा दिया, लिंक भी भेज दूंगी मैं आप लोगों को कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप क्लिक करके देखना, सिलेबस भी देखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखना, अपना लेवल भी देखना, और फटाफट से तैयारी शुरू कर देना। बेशक आपको कोई भी लेवल हो, डजेंट मैटर, फाइन, आपको तैयारी करनी है और ये पेपर जो है देना है, फाइन। सो एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट यू टू विश वेरी गुड लक, स्टे पॉजिटिव, कीप रॉकिंग एंड स्टे रिलैक्स। थैंक यू सो मच, यू विल बी मीटिंग सून इन आवर अपकमिंग लेसन्स। Until then, take very good care of yourself. Bye-bye. Thanks for watching our video. To subscribe on our channel, please press the subscribe button given below the video. And for regular updates and notification, don't forget to press the bell icon. For more information, query, do like my Facebook page and the link is given below. Thank you so much, guys. God bless you. Bye-bye. Take care.